दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे दो अनुभवों के बारे में। एक अनुभव में जहां एक साधक महोदय हैं जिन्होंने बाबा जाहर पीर के बारे में अपने जीवन में जो जो उनकी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में बताया है और उनसे कितना उनको लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे वीडियो में एक साधिका हैं जिनके जीवन में अचानक ही अप्रत्याशित रूप से किसी प्रेत ने उनके शरीर को बुरी तरह से जकड़ लिया था और वह उनके शरीर के साथ गलत हरकतें भी कर रहा था। कोशिश करने पर भी वो उसे हटा नहीं पाए। तो जानते हैं दोनों ही अनुभवों को कि आखिर क्या स्थिति है और साधना के क्षेत्र में किस तरह से समस्याएं और अच्छाइयां दोनों ही चीजें आपके सामने उपस्थित होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोगा जाहर वीर का अनुभव ले लेते हैं। भेजने वाले हैं राजीव कुमार जी। पढ़ते हैं इनके पत्र को। प्रणाम गुरुजी, धर्म रहस्य देखने वाले सभी भाई बहनों को राजीव कुमार का नमन। गुरुजी, आपको गुरु बोलने में मुझे कोई परेशानी या शंका नहीं है, क्योंकि एक बुजुर्ग ने मुझे एक बार बताया था कि जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिले वो गुरु होते हैं। गुरुजी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से अपनी नेवी में सेलेक्ट होने के बारे में बताया था और एक बार मैंने बाबा क्रोध भैरव की साधना पर भी थोड़ा प्रकाश डाला था। नाथ जी, मैं आपके और सिर्फ आपके चैनल को अपने आगे के कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्रकाशित कर सकते हो। अनुभव इस तरह से है कि बाबा जाहरवीर की कृपा से मैं इंडियन नेवी में भर्ती हो गया और मेरी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी, जबकि मैं एक साधारण सा ही व्यक्ति था। बस बाबा जी पे आस और विश्वास पूरा था। मुझे बेसिक ट्रेनिंग के बाद ट्रेड भी मेरे को अच्छी ही मिली, यहाँ तक कि मेरा ट्रांसफ़र भी अच्छी ही जगह होता है और मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ साधना भी करता रहता हूँ। लगभग 2002 के आसपास मेरे मन में भगवान के दर्शन के प्रति ऐसी लगन लगी कि मैं मार्गदर्शन के लिए बहुत भटक रहा था। कहीं से भी कोई ज्ञान मिले जिससे वह मुझे दर्शन हो। मुझे भटकते भटकते काफ़ी समय हो गया था लेकिन कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन हार मानने वालों से भी नहीं मैं नहीं था। वैसे हमारे घर में माता बाला सुंदरी और हिंदुओं के पीर गोगा जी की सेवा होती है। हमारे ही पड़ोस में एक अंकल जी हैं जो बाबा जी के सेवादार थे और उन पे उनकी सवारी आती थी। मैंने सोचा कि उनसे इस बारे में कुछ पूछ लेना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलता हूँ। मैं मार्ग गया और हम गुरु जी के पास गए जो कि एक औघड़ थे। उन्होंने मेरा माथा देखा और कहा कि बेटा चिंता मत कर, तुझे दर्शन हो जाएंगे। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ। मैंने उनका साथ दिया। गोगा जी का एक शावर मंत्र जप के लिए शुरू कर दिया, लेकिन बहुत समय हो गया फिर दर्शन नहीं हुए। एक दिन मुझसे मेरे नाना जी मिले कि मेरे चाचा जी के जो ससुर थे वो एक अच्छे हनुमान भक्त थे और उन्होंने कई बार बारिश भी करवाई थी। उनके पास ही बैठा था और बोलने लगे कि तू दर्शन करना चाहता है ना। यह सुन के मैं बहुत बहुचक्का रह गया। उनको मेरे दिल को की बात का कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि 7 सोमवार शिव जी की पूजा करो, उसके बाद ही दर्शन होगी। इसी बीच मुझे दर्शन नहीं हो रहे थे। मैं रोज रात को फरियाद करता कि मुझे दर्शन दो, रात को दर्शन नहीं होते। सुबह उठते ही मेरी आंखों से आंसू निकलते, मैं खूब रोता था। लेकिन जब मेरी शिव जी की सेवा पूरी हुई तो मुझे शेषनाग जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए। शेषनाग जी से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और उन्होंने अपने सभी फन मेरे सिर पर रख दिए। अगले दिन मैं उसी जगह पर गया जहाँ के मुझे दर्शन हुए थे। मैंने वहाँ माथा टेका और आशीर्वाद लेके आ गया। नाथ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि गोगा जी की लाइन में इतने देवी देवता हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मुझे हिंदू बावरी पीर बाबा सबल सिंह जी के भी दर्शन हुए और मैंने अपने हाथों से उनके पेड़े भी खिलाए। मैंने यह सब उन बुजुर्ग को भी बताया जिनके पास मुझे मेरे पड़ोस के अंकल लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, बस ऐसे ही सेवा करते जाओ। और गुरुजी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अपने भोलेपन में सेवा करता रहा और मुझे लगभग सभी के दर्शन होने लगे। सपने में मुझे महाकाली जी के दर्शन हुए, बाबा भैरव जी के दर्शन हुए, लेकिन मुझे बहुत दिन हो गए थे लेकिन मुझे अभी तक मेरे गोगा जी के दर्शन नहीं हुए थे। मैंने फिर अपनी सेवा बढ़ा दी और हर पल गोगा जी का ध्यान करने लगा। फिर एक दिन मुझे सपने में ही गोगा जी के दिव्य दर्शन हुए और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। अब मुझे ऐसी शक्ति मिल चुकी थी जिससे मुझे सपने में पहले ही सब पता लगने लगा। मैंने बहुतों की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी की, वो भी फ्री में, कभी भी कुछ नहीं लिया किसी से, लेकिन मुझे किसी भी
से दिव्य ज्ञान नहीं मिला। मैंने सेवा करते हुए कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे दर्शन हुए। लेकिन मैंने भगवान के कभी दर्शन भगवान शिव से भी कुछ नहीं मांगा। मैंने अपनी 15 साल की उम्र तो फौज में गुजारी है और जब भी मैं छुट्टी आता तो बाबा जी का जागरण और भंडारा कराता। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मैं साउथ इंडिया में विशाखापट्टनम में था और एक पंडित जी से मेरी दोस्ती हो गई थी, वो हर रोज रुद्र अभिषेक करते थे, उन्होंने मुझे भी सिखा दिया। तब से मुझे संस्कृत के वैदिक मंत्रों का ज्ञान हुआ। नाथ जी, एक बार मैंने विशाखापट्टनम में ही एक शिव की बुक देखी थी, उसकी लिपि बहुत ही पुरानी थी। पता नहीं क्यों मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसे खरीद लिया, जबकि मैं ये जानता था कि मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। फिर मैं वह पुस्तक ले आया। अब मैंने घर आके बहुत कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाए क्योंकि वो लिपि ऐसी थी, उसमें कहीं भी गैप नहीं है शब्दों के बीच में, जिससे यह पता लग सके कि शब्द कहाँ से शुरू है और कहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने भोले बाबा से कहा, बाबा जी बस मुझे यह पढ़ना है। कुछ दिनों बाद मुझे सपने में एक कन्या के दर्शन हुए और उसने मुझे बताया कि ऐसे ही पढ़ते हैं। मुझे बहुत ही खुशी और वो मैं बुक पढ़ने लगा। इसके बाद मुझे तांडव स्त्रोत, शिव महिमा स्त्रोत भी बहुत अच्छे लगे। सच में गुरु जी मस्त दर्शन हुए बाबा भोलेनाथ और माँ के। बस यही है मेरी कहानी। मैंने शुरू से बाबा जी को चाहा, वो पाया और यह तक कि बिना किसी रिश्वत के नौकरी, अच्छी पत्नी, सब कुछ एकदम अच्छा। यह पोस्ट इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि सब मेरे बारे में अच्छा कहें या बोलें, बल्कि इसलिए भेज रहा हूँ कि भोलेपन में जैसे भी आप सेवा करो, चाहे कोई नियम फॉलो करो या नहीं, आपको दर्शन जरूर होंगे। बस अपनी नीयत को साफ रखिए। नमस्ते गुरु जी, सभी को जय माता की, जय भोलेनाथ। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि किस प्रकार से अनुभव होता है। अगर विश्वास रखें तो निश्चित रूप से आपको अनुभव होते हैं, साथ ही साथ आपको दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही उनके साथ हुआ। इसी प्रकार का एक अनुभव है, साधिका महोदय हैं और उन्होंने कुछ परेशानी है उनको हुई थी, जो उसके संबंध में उन्होंने कुछ लेटर लिख के भेजा है और जवाब पूछा है कि इसके संबंध में क्या बता सकते हैं। तो ये जानते हैं कि आखिर प्रेत का उनके ऊपर हमला कैसे हुआ। प्रणाम गुरुजी, मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। गुरुजी, आज मेरे साथ सुबह सुबह एक घटना घटित हुई जिससे मेरे मन में बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको ईमेल लिखते वक्त भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गुरुजी, आज मैं सुबह सुबह सोकर उठी, मेरे भाइयों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और वो उनको जेट हो जाता है, तो बाथरूम के बाहर से ही मैं वापस आ गई क्योंकि मेरे भैया भी स्नान कर रहे थे, इसलिए मैं वापस सो गई। क्योंकि भैया नहा धोते रहते हैं और फिर वापस जाकर सो गई, और तो मुझे एक बचपन यानी बच्चे का तरह का एक सपना आया। एक बच्चा सपने में दिखाई दिया जैसे मेरी न्यू भाभी का बेटा है, 3 महीने का है, और मैं भाभी को बोल रही हूँ कि ये क्या अपने इतनी सर्दी में इसको केवल एक बनियानी पहनाई हुई है, इसको सर्दी लग जाएगी। सपने में मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। उसके बाद मुझे नींद सी होश आ गया क्योंकि मेरे पीठ पर कोई लंबा चौड़ा सा लड़का आकर के लेट गया था और वो मुझे बहुत बुरी तरीके से दबा रहा था, जिसकी वजह से मुझे सांस नहीं आ रही थी। तब मेरा दम घुट रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। मेरे बोल बंद हो चुके थे। वो प्रेत मेरे साथ कुछ गंदी हरकत भी कर रहा था। मेरे कान के पर्दों में इतना तेज शोर हो रहा था जैसे फट जाएंगे। मेरे कान के पर्दे और जो खून है उनसे आने लगा, उनको इस तरह से उनको ऐसा महसूस हो रहा था। और मेरी आवाज़ सुनकर थोड़ी देर बाद इनको ऐसा लगा पूरे शरीर पर नियंत्रण इनका नहीं रहा। उसी बीच मैंने माँ काली का नाम जपा मन ही मन और माँ दुर्गा का नाम भी जपा। कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी। फिर मेरे हनुमान जी का भी नाम जपा लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा था। उस आदमी का प्रेत मेरी पीठ से नहीं हट रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दुष्ट काम कर रहा हो मेरे साथ। अचानक 15 मिनट बाद उसने मुझे छोड़ा। मैं बड़ी तेज़ी से चिल्लाई। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मम्मी मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ और पसीना पसीना क्यों हुआ। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि कुछ नहीं मम्मी, बस सपने था थोड़ा बुरा। मम्मी के जाने के बाद एक बात तो सोच कर मैं बहुत ही उदास था और परेशान भी थी कि आँखों से आंसू भी झलक रहे थे मेरे। गुरु जी, जहाँ मैं सो रही थी मेरे सिरहाने मंदिर था और मंदिर में छोटी सी पीली लाइट भी जल रही हुई थी, उसके बावजूद कैसे उसने मुझ पे अटैक किया। और दूसरी बात ये है कि मैं जिस लाल चंदन की माला से मंत्र जाप करती हूँ उसको मैंने गले में पहना हुआ था, उसके बावजूद कैसे उसने मुझ पर अटैक किया। माँ तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, फिर उनके नाम से उनके मंत्र
मन ही मन जपने से भी वो प्रेत हट क्यों नहीं रहा था मेरी पीठ से। क्या मैं एक सच्ची भक्त नहीं हूँ या फिर मेरी भक्ति में कोई कमी है जो माँ ने हनुमान जी और काली माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया था? ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? मैंने सिरहाने में मंदिर होने के बावजूद भी उस पर अटैक किया, मुझ पर हावी हो रहा था। जिस लाल चंदन की माला से मैं मंत्र जाप करती हूँ क्या उसमें शक्ति नहीं है? मेरे घर के मंदिर में शक्ति नहीं है, मंत्र जपने पर भी उसने मुझ पर अटैक। मंत्र में शक्ति नहीं है, प्लीज़ गुरु जी मेरे इन सवालों का जवाब जरूर दीजिए। आपकी आज्ञाकारी शिष्या गुरु जी मेरे नाम को गुप्त रखें, कृपया करके, धन्यवाद गुरु जी। तो देखिए यहाँ पर इनके साथ में प्रेत ने इनके शरीर के ऊपर हमला किया और पीछे से दबा दिया। तो देखिए ऐसा क्यों घटित होता है, दो तरह की शक्तियाँ होती हैं। जब कभी हम सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं तो बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको हम आकर्षित कर लेते हैं और उन आकर्षण की वजह से वो शक्तियाँ आ जाती हैं। कभी कभी वो कुंडलनी ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा कभी कभी तब होता है जब हमारे द्वारा किसी विशेष तरह का कोई, अगर हमारे पास शक्ति है या यूँ कहीं यंत्र है या कोई माला है, उसके माध्यम से वो शक्तियाँ उन चीज़ों में प्रवेश कर जाती हैं। कभी कभी गलती ऐसी होती है। मेरे हिसाब से इसे हम कर्ण पिशाच या कर्ण भैरव भी कह सकते हैं। तो दोनों ही तरह की बुरी शक्ति के रूप में यहाँ पर प्रदर्शन इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो गई है माला के वजह से। माला आपने कहीं ना कहीं गलती से दूषित कर दी, गलत हाथ उस पर कोई लग गया या अशुद्ध हाथ उस पर लगा है। गर्दन के ऊपर यानी कि कान पर ही आपके ऊपर ज़्यादा असर पड़ा है, इसीलिए इससे पता चलता है कि गंदगी से संबंधित है, इसका संबंध हो गया है। पीछे से दबाव इसी तरह से आता है। कान से वो शक्ति जो है आपके खिलवाड़ कर रही थी कान की वजह से ही, और इस शक्ति को रोकने का उपाय यही था कि आपको अपनी माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए था। देखिए ये मालाएं जितनी होती हैं, अगर आप किसी मंत्र से की जाप करते हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो माला अगर आप धारण करते हो तो स्वयं को शुद्ध बनाकर रखो। नहाने जाना एक प्रकार से उसको अलग ही दृष्टिकोण को दिखाता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात यही है कि माला उसी समय पहनना चाहिए जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो। उसी से अगर आप जाप करते हो उसको पहनते हो तो फिर आप कोई गलत काम या कोई गंदी चीज़ का स्पर्श उससे होने नहीं दे सकते हो, वरना वो शक्ति उसके साथ जुड़ जाएगी और पैशाचिक शक्तियाँ या भैरव शक्तियाँ आकर के आपको परेशान कर सकती हैं और आपकी सामर्थ्य की परीक्षा भी वो शक्तियाँ आकर के ले सकती हैं। मन में मंत्र जाप करने से जो है केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आपको किसी शक्ति से मुकाबला करना है तो मंत्र का आपके मुंह से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मंत्र आपके मुंह से बाहर नहीं निकलता है तो वो मंत्र काम नहीं करता है। मन में सोचने मात्र से, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, इस वजह से आप अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा भी हो जाए कि कोई शक्ति ने आपको कोई दबा दिया और वो आप मुँह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि जिस मंत्र को आप जाप कर रहे हैं या जिस भी देवी देवता का नाम ले रहे हैं उसके अलावा उस वक्त मन में कोई और विचार न दिखाई दे न सुनाई दे, और अपनी सांसें रोक करके उस बात को आपको या उस देवता को याद करना चाहिए ताकि सांस में नियंत्रण होने की वजह से, दम घुटने की वजह से ऐसा माहौल क्रिएट होगा फिर कि आपका मन पूरी तरह से उस देवता में लग जाएगा। तो फिर मंत्राग नहीं भी बोल पा रहे हैं तब भी आप उससे बच सकते हैं, पूरी तरह से बच जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए यही धारण करना चाहिए। और पीठ से ऊपर आपने दबाने की कोशिश की, यानी कि आप पेट के बल लेटी हुई होंगी, क्योंकि पीठ से दबाएगा तो कैसे दबाएगा, या तो किसी एक करवट में होंगी या फिर आप पेट के बल लेटी हुई होंगी, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो इस चीज़ों को ध्यान देते हुए अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से शक्तियाँ आपके पास दोबारा नहीं आएंगी। और ये केवल और केवल ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं थी, बल्कि यूँ कहिए कि आपके कहीं ना कहीं जाप में कोई गड़बड़ी या आपके माला की अशुद्धि की वजह से ही ऐसा हुआ आपके साथ में, या कुछ गलत भाव उस समय आपके माला की वजह से आपने गलत तरीके से उसे छू लिया, इस वजह से भी ऐसा चीज़ें कभी कभी प्रकट हो जाती हैं। तो ये नुकसानदेह नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है और आगे आने वाले में दिनों में, लेकिन हाँ ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, तभी ऐसी शक्तियाँ आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। तो ये थे आज के दो अनुभव। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।